नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको याद होगा हमने पिछले क्लास में साइंस के क्लास में आपको हार्मोन शुरू करवाया था, जो हमारा नया टॉपिक था हार्मोन। साथ ही साथ हमने ये भी आपको बताया था कि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है, वहीं पर बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनमें एंजाइम स्रावित किया जाता है। हार्मोन और एंजाइम में हमने आपको अंतर स्पष्ट करा दिया था और हमने बताया था अंतःस्रावी ग्रंथियां जो मुख्य हैं वो हमने बताई थी आपको, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और थायमस ग्रंथि। अब सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्रंथ भी है जो शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न हार्मोन्स स्रावित करती है। जो पीयूष ग्रंथि है ये यहां पर होती है। देखिए, यहां पर कपाल के स्फेनॉइड दोनों हड्डियों के बीच में ये होती है और वो जुड़ी होती है हाइपोथैलेमस से। जो आपका कपाल है वो तीन भागों में है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और ऐसे होता है कपाल। मान लीजिए ये कपाल है तो इसके तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये अग्र हो गया और ये जब मैं मस्तिष्क आपको पढ़ाऊंगा, अभी मस्तिष्क नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, अभी मैं आपको हार्मोन पढ़ा रहा हूं। और ये जो पीयूष ग्रंथि है वो यहीं पर अगले भाग में यानी अग्र मस्तिष्क के अगले भाग में होता है और ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो मैं आपको हार्मोन्स पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको कपाल या मस्तिष्क नहीं पढ़ा रहा हूं। जब आपको मैं मस्तिष्क पढ़ाऊंगा तब मस्तिष्क के बारे में सारी डिटेल आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा सा रूपरेखा देख लीजिए। जो मस्तिष्क होता है आपका वो तीन भागों में होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मतलब अगला भाग, बीच का भाग और पीछे का भाग। तो ये जो अगला भाग होता है हाइपोथैलेमस, यहीं पर होता है हाइपोथैलेमस। वो जब मैं आपको मस्तिष्क पढ़ाऊंगा तब आपको सारी डिटेल बताऊंगा, अभी मैं आपको हार्मोन्स पढ़ा रहा हूं और हार्मोन्स में कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क के यही अग्र मस्तिष्क के अगले भाग पे होती है, जो हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। हाइपोथैलेमस भी अगर अग्र मस्तिष्क में ही होता है। ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी। और हमने कहा कि जैसा ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है, हाइपोथैलेमस भी अग्र मस्तिष्क में ही है और आपका पीयूष ग्रंथि भी अग्र मस्तिष्क के दोनों स्फेनॉइड हड्डियों के बीच में स्थित होता है, यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है और ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। लेकिन ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को निकालती है, आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को ये स्रावित करती है और अलग अलग अंगों को प्रभावित करती है। हम आपको बताते हैं कई प्रकार के हार्मोन्स ये स्रावित करती है। पहला है एसटीएच हार्मोन्स, मतलब इसका फुल फॉर्म देखिए, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये आपके लिए, चाहे वो कोई भी परीक्षा दे रहे हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी परीक्षा। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, इसी हार्मोन्स को ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं या हिंदी में अगर कहें तो वृद्धि हार्मोन्स। ठीक है, तो पहला हार्मोन ये हो गया। इन सब हार्मोन्स के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि कितने प्रकार के हार्मोन्स ये पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। तो पहला हो गया एसटीएच हार्मोन्स, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। दूसरा है वेसोप्रेसिव हार्मोन्स। दूसरा है, ये सभी के बारे में हम आपको दो दो लाइन, तीन तीन लाइन जो भी उनके बारे में होगा लिखवाएंगे, निश्चिंत रहें। अभी हार्मोन्स देख लीजिए कितने प्रकार के हैं।
STH हो गया सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, जिसको ग्रोथ हार्मोन्स या वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं। दूसरा है वेसोप्रेसिव हार्मोन्स, तीसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, चौथा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, पांचवा है LH हार्मोन्स। L का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स अभी हम बताएंगे। फिर है MSH हार्मोन्स, मतलब मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। सातवां है GSH। तो अब आइए हम आपको बताते हैं सबके बारे में डिटेल। क्लास को कई बार देखिएगा तो आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा। पीयूष ग्रंथि के बारे में अभी हमने स्टार्टिंग की है, जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकाल करके स्रावित करके शरीर में कई अंगों को पहुंचाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे STH हार्मोन्स, पहले नंबर पे जो था STH, मतलब सोमैटो ट्रॉफिक हार्मोन्स, हार्मोन्स इसी को वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं, इसी को वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं। ठीक, इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला पॉइंट है, यह हार्मोन अस्थि पर, अस्थि मतलब हड्डियों पर, अस्थि पर क्रियाशील होता है, क्रियाशील, क्रियाशील होता है। ये पहला पॉइंट हो गया, इसके बारे में बताया जा रहा है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन्स के बारे में। तो यह हार्मोन्स अस्थि पर क्रियाशील होता है, वहीं पर बच्चों में इसकी कमी से बौनापन हो जाता है, बच्चों में इसकी कमी से बौनापन हो जाता है, तथा अधिकता से क्या होता है, अधिकता से भीमकाय बीमारी हो जाती है। तो बच्चों में इसकी अगर कमी हो जाती है तो बौनापन हो जाता है, अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो भीमकाय एक बीमारी है, वो बीमारी हो जाती है। ये जो हार्मोन है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन, ये हड्डियों पर जो है अस्थियों पर ये क्रियाशील होता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि वयस्कों में इसकी कमी से, बच्चों में तो हमने बता दिया, अब वयस्कों में या वृद्धों में मतलब बूढ़ों में इसकी कमी से क्या हो जाता है, साइमन रोग हो जाता है, साइमन रोग हो जाता है। ठीक, वयस्कों में या वृद्धों में इसकी कमी से साइमन रोग हो जाता है और समय से पहले बूढ़े नजर आने लगते हैं, और समय से पहले बूढ़े नजर आने लगते हैं। तो ये जो हार्मोन था STH, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन्स यानी ग्रोथ हार्मोन्स या वृद्धि हार्मोन्स, तो ये इस हार्मोन्स की कुछ विशेषताएं हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूसरे प्रकार का एक होता है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन,
सारे हार्मोन्स को जो पीयूष ग्रंथि द्वारा निकाली जाती है, उन सभी हार्मोन्स के बारे में हम आपको बताएंगे। पेपर में पूछ लिया जाता है कि फला हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि द्वारा निकाली जाती है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा हम आपको बताएंगे प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, इसकी विशेषता है कि यह दुग्ध ग्रंथियों के विकास, दुग्ध ग्रंथियों के विकास के लिए उत्तरदायी है, के लिए उत्तरदायी है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ये हो गया। हर हार्मोन्स के बारे में हम एक दो लाइन जो भी उसकी विशेषता है वो हम आपको बताएंगे। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसे दूध निकालने वाला हार्मोन कहते हैं। इसे दूध निकालने वाला हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात हो रही है, इसे दूध निकालने वाला हार्मोन कहते हैं, या इसको मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। मिल्क इंजेक्शन हार्मोन या इसको एक और कहते हैं, प्रसव का हार्मोन कहते हैं इसको, प्रसव हार्मोन महिलाओं वाला, प्रसव में जो पीड़ा उत्पन्न करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है उसी को प्रसव के समय महिलाओं में पीड़ा उत्पन्न करने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है तो उसको प्रसव हार्मोन भी कहते हैं, और वहीं पर इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, बर्थ हार्मोन। तो इसको कई नामों से पुकारा जाता है, मिल्क इंजेक्शन, प्रसव हार्मोन, बर्थ हार्मोन, दूध निकालने वाला हार्मोन, कई तरह के नामों से इसको पुकारा जाता है। अगला पॉइंट अगर इस हार्मोन के बारे में हम बात करें तो गर्भ के समय यानी कि जन्म के पहले गर्भ के समय यह हार्मोन गर्भाशय की दीवारों पर, जन्म के पहले यह हार्मोन गर्भाशय की दीवारों पर जन्म के पहले यानी गर्भाशय में, तो गर्भाशय यानी कि जन्म के पहले यह हार्मोन गर्भाशय की दीवारों पर क्रियाशील होता है और क्रियाशील होकर के क्या करता है, क्रियाशील होकर के पीड़ा उत्पन्न करता है और पीड़ा उत्पन्न करता है। और इसकी कुछ और खास बातें हैं उसको हम यहां लिख देंगे, इस तरफ देखते रहिएगा। अभी आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन चल रहा है,
बच्चों के जन्म के बाद दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध निकालने के लिए ये प्रेरित करता है। ये हार्मोन प्रेरित करता है। इसीलिए तो इसको दुग्ध हार्मोन कहते हैं, प्रेरित करता है। अच्छा, इस हार्मोन का प्रयोग जानवरों से दूध निकालने में भी किया जाता है, उनको इंजेक्शन लगाया जाता है तब जानवरों से दूध निकाला जाता है। इस हार्मोन का प्रयोग यानी ऑक्सीटोसिन के हार्मोन का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में जानवरों को लगाया जाता है और उनसे दूध निकाला जाता है, तो इसीलिए तो इसका नाम मिल्क इंजेक्शन था। दूध निकालने वाला हार्मोन, मिल्क इंजेक्शन, प्रसव हार्मोन, बर्थ हार्मोन। जन्म के पहले ये गर्भाशय की दीवारों पर क्रियाशील होता है और एक पीड़ा उत्पन्न करता है, गर्भाशय में पीड़ा उत्पन्न करता है। इस हार्मोन का जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसका अब बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने लगा है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब अगला हार्मोन है वेसोप्रेसिव हार्मोन। जो ये वेसोप्रेसिव हार्मोन होता है, ये नेफ्रान पर क्रियाशील होता है। नेफ्रान पर ये करता क्या है हम बता रहे हैं। नेफ्रान पर ये करता क्या है रक्त तथा मूत्र के जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। कौन सा हार्मोन? वेसोप्रेसिव हार्मोन। तो इस हार्मोन को ध्यान दीजिएगा, हर हार्मोन के बारे में, प्रत्येक हार्मोन के बारे में हम आपको समझाएंगे। तो ये वेसोप्रेसिव हार्मोन था, ये क्या करता है, रक्त तथा मूत्र के जल की मात्रा का नियंत्रण करता है और ये नेफ्रान पर क्रियाशील होता है। और क्या करता है, जब कभी रक्त में जल कम हो जाता है तो वेसोप्रेसिन अधिक प्रभावित होता है। साथियों देखते रहिए, एक एक हार्मोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपसे कहा, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि जब कभी रक्त में जल कम हो जाता है तो वेसोप्रेसिन, यानी कि जो वेसोप्रेसिन ये हार्मोन है, वेसोप्रेसिन हार्मोन अधिक क्रियाशील हो जाता है। और क्या होता है, मूत्र से रक्त को अवशोषित कर लेता है और रक्त में मूत्र से
मूत्र से जल को अवशोषित कर लेता है, सॉरी जल को, मूत्र से जल को अवशोषित कर लेता है और रक्त में भेज देता है, रक्त में भेजता है। इसका ये काम हो गया। एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे कि ये नेफ्रान पर क्रियाशील होता है, रक्त तथा मूत्र में जल की मात्रा का ये नियंत्रण करता है, कौन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। और क्या करता है कि जब कभी रक्त में जल की मात्रा कम हो जाती है तो ये अधिक क्रियाशील होकर के मूत्र से रक्त को अवशोषित करके और जल में, सॉरी रक्त में भेज देता है। तो इसी तरह से ये वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है आपके रक्त और मूत्र के जल का नियंत्रण करता है। अब आगे चलते हैं LH हार्मोन, आगे है LH हार्मोन। अच्छा, ये जितने हार्मोन्स हम बता रहे हैं अभी, ये सारे हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से निकाले हुए हार्मोन्स हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद हम आएंगे थायराइड ग्रंथि पे, फिर थायमस ग्रंथि, अभी पीयूष ग्रंथि चल रहा है, फिर है LH हार्मोन, LH हार्मोन्स। LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, इसका कुछ जो भी कार्य है देख लीजिए। एक हार्मोन होता है महिलाओं में एस्ट्रोजन, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ जुड़कर अंडोत्सर्ग में सहायता करता है। यह एस्ट्रोजन हार्मोन्स के साथ जुड़कर अंडोत्सर्ग में सहायता करता है। बस इसकी इतनी सी विशेषता थी। अब चलते हैं MSH हार्मोन, जो हमने आपको अभी बताया था, MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब MSH। अच्छा, इसकी विशेषता देखिए, ये क्या करता है, शरीर में आप सभी लोग जानते हैं एक मिलेनिन वर्णक पाया जाता है, उस मिलेनिन वर्णक के वजह से शरीर का कलर गोरा या काला होता है। अधिक मिलेनिन रहता है तो शरीर काला या सांवला हो जाता है, मिलेनिन की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर गोरा दिखता है। तो जो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, ये क्या करता है, ये मिलेनिन वर्णक के निर्माण को प्रेरित करता है, मिलेनिन वर्णक के निर्माण को प्रेरित करता है, ये निर्माण को प्रेरित करता है। हर पॉइंट आप लिखते चलिए, हर चीज आप लिखते चलिए। ये वो सारे हार्मोन्स हैं जो पीयूष ग्रंथि द्वारा निकाले जाते हैं। अभी आपका थायराइड ग्रंथि बचा हुआ है, अभी आपका थायमस ग्रंथि बचा हुआ है, अभी ये पीयूष ग्रंथि से संबंधित जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो है। तो अब आगे चलते हैं GSH, गोनेडो GSH, ये भी पीयूष ग्रंथि द्वारा निकाला गया हार्मोन है, गोनेडो ट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स GSH, गोनेडो ट्रॉपिक स्टिमुलेटेड
स्टिमुलेटेड हार्मोन्स। गोनेडोट्रॉपिक स्टिमुलेटेड हार्मोन्स, गोनेडोट्रॉपिक स्टिमुलेटेड हार्मोन्स। अब ये हार्मोन क्या है, इसकी कुछ खास बातें क्या हैं, ये क्या करता है, ये देख लीजिए। ये जो हार्मोन है ये जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि, ये जो GSH हार्मोन है ये क्या करता है कि जो जनन ग्रंथियां हैं वृषण और अंडाशय, वृषण और अंडाशय, जनन ग्रंथियों पर क्रियाशील होता है और उन्हें सक्रिय करता है। यह हार्मोन जनन ग्रंथियों, कौन, वृषण और अंडाशय, ये जो हार्मोन है GSH यानी गोनाडोट्रॉपिक स्टिमुलेटेड हार्मोन्स, ये क्या करता है, हार्मोन जनन ग्रंथियों, वृषण और अंडाशय पर क्रियाशील होता है, क्रियाशील होकर उन्हें प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरित करता है। ये हो गया GSH हार्मोन। अब जाकर आपका जो आपके पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते थे, जो पीयूष ग्रंथि है आपकी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, 6-7 प्रकार के जो हार्मोन्स निकलती है, वो 6-7 प्रकार के अब हार्मोन्स आपके कंप्लीट हुए। अब आपका हम अगला ग्रंथि बताएंगे पीनियल ग्रंथि, तो वो अगले क्लास में बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए साथियों, और पूरा वीडियो देखते हुए आप कॉपी और पेन लेके बैठें और नोट्स बनाते रहें। नोट्स जब बनाएंगे तो आपका एक नोट्स बन जाएगा और आप उसको भी तैयार कर सकेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स का चैप्टर है ये टॉपिक, हर जगह आता है, किसी भी पेपर में चला आता है, हार्मोन से सवाल उठा लेते हैं। तो इसके बाद हम पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि आपको बताएंगे अगले क्लास में। तो पूरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।